वो मालिक मकान की बीवी पूछ रही थी कि तुम्हारी बेटी गांव से कब आएगी। क्या तो कभी नहीं। मतलब? क्या मतलब, क्या मतलब माँ? अब सबको हम ही जवाब देते फिरे। हम यहाँ हर किसी को जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। हर किसी को सर पे चढ़ाया हुआ है तुमने माँ। उसको जवाब दो, उसको जवाब दो, मोहल्ले वालों को दो, पहले मामे को, बरादरी वालों को, सबको कह दो हम किसी के जवाबदेह नहीं है। हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करें। जवाब देते फिर और किसी को। बात का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए था। ठीक ही तो कह रहे थे वो। तो मैंने भी ऐसे कोई गलत बात नहीं की। क्या पॉलिटिक्स की वजह से हम जीना छोड़ दें? जुल्फी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे और वहां कुछ नहीं हुआ था। वहां एक लड़की की वजह से लड़ाई हुई थी, वेपन्स तक बात पहुंच गई थी। क्या मीडिया नहीं उछालता इस बात को? तुम्हें हमारी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। मैं ही एहसास करूं सबका। परसों रात जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। दिलावर भाई तो इस एंगेजमेंट से इनकार कर रहे थे, याद है ना? याद है, सब याद है। मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहा था वो। क्या मजबूरी है हुरिया? क्या मलिक दिलावर के अलावा दुनिया में तुम्हें कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता? मलिक दिलावर, मलिक दिलावर। अरे वाह भाई वाह, सुबह सुबह दर्शन हो गए हमारे तो, भाग जाग उठे कसम से। क्या चाहते हो एक ही दफा खुल के बताओ ना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। चलो चलो। अबे छोटे, ओ छोटे, दो चाय लेके आ, कड़क वाली, हाँ दूध पत्ती, और साथ में जीरे वाला बिस्किट भी। मैं आज दिल पशौरी के लिए नहीं बैठी, काम की बात करो। और रोज रोज मेरे पीछे चक्कर लगाना छोड़ दो। परवाना अगर शमा के गिर चक्कर नहीं लगाएगा तो किधर लगाएगा? तमीज से बात करो, वरना 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 क्या क्या कर लोगी? किसी भूले मत रहना, अभी तो मैं खुल के सामने नहीं आई। मेरे कहने पे अगर उस लड़की ने एक दफा भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे तुम। बख्तावर, मैं तो पहले दिन ये समझ गया था कि मेरे खिलाफ केस बनाने में तुम्हारा हाथ है। तुम्हारा जुर्म काबिले माफी है ही नहीं। उस लड़की का चेहरा बिगाड़ा है तुमने, तुम्हारे दिनों में पूरे, अब तो तुम्हें सजा मिलती रहेगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, सारी दुनिया को उल्लू बना रही हो, सबकी आंखों में धूल झोंक रही हो और मुझे कानून की धमकी दे रही हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले मलिक से कह के मेरा नाम उस केस से निकलवा दो। ना निकलवाऊं तो? करना पड़ेगा। और मेरी दूसरी ख्वाहिश भी सुन लो, मेरे साथ दोस्ती पक्की वाली। शट अप। डांटती भी इंग्लिश में हो। मजा आएगा। तुम भी मेरी एक बात सुनो, तुमसे ब्लैकमेल नहीं होने वाली मैं अब, क्योंकि अब मुझे किसी का डर नहीं। सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। ठीक है, फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। तैयार हूँ, असूलों के साथ खड़ी हूँ, ना कमजोर पड़ूंगी
और ना ही ब्लैकमेल होंगी। कितना बिल हुआ? 150। दोस्तों बाकी के रख लें।